हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिम रॉन की बुक 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस की समरी। इस किताब में लेखक ने 7 ऐसी स्ट्रेटजीज दी हैं जिनसे आप अपार वेल्थ और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में लेखक अपने गोल और स्ट्रेटजी के बारे में लिखने की ओर इशारा करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन में बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन लेखक कहता है कि इससे यह सब बातें उनके दिमाग में ही रहती हैं और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बजाय अपने गोल को एक कागज पर लिखें, उसमें यह लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हो, फिर यह लिखें कि यह पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख लें। जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजिंग इत्यादि। जब सब कुछ आप कागज पर लिख देंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीजों को करने लग पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में लेखक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने का उचित नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। बिना नॉलेज के किसी भी गोल को हासिल कर पाना काफी कठिन साबित हो सकता है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि कोई ब्लॉग बिजनेस या अफिलियट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करेंगे और आपको इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे चैप्टर में लेखक हमारे गोल्स पर एक्शन लेने के लिए बताते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और करें कुछ भी नहीं। ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो ले लीजिए। जैसे आज के दिन आप केवल डोमेन नेम ढूंढ सकते हैं, अगले दिन आप केवल होस्टिंग खरीद सकते हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके आप एक महीने के अंदर अपना पूरा ब्लॉग शुरू कर पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हमारा गोल कब हासिल हो जाएगा इसका हमें पता भी नहीं चलेगा, और यह काम आपको कभी भी पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। आगे चौथे चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हम पैसे को कैसे मैनेज करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में वेल्थी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक भी होगा और बहुत ही कम खर्च में बनेगा। साथ ही साथ जब खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट भी होगा तथा डिप्रेशन आदि के विचारों से मुक्ति मिलेगी। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे, फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे वेल्थी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्थी हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह गलत है। आपको यह माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वह देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इत्यादि बनते हैं, जो समाज के बहुत काम आते हैं। इसलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, यह आपका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विपरीत अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। पांचवें चैप्टर में लेखक समय को मैनेज करने की बात करते हैं। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखिए। लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 बजे या 8 बजे ही उठते हैं, ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना योगा करते हैं।
और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं। लेकिन आप जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं और कोई बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब भी पढ़ सकते हैं। इससे आप दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहोगे। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा ही हर चीज के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज और योगा आदि करते रहने से आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ोगे और इससे आप हमेशा खुश ही रहोगे। छठवें चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें सफलता में साथ देता है। हमारी सफलता में हमारे एनवायरनमेंट परिवेश का भी बहुत योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम भी कभी ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हो कि मैं यह बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ करते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ यह भी कह देते हैं कि पैसा तो सब बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना शिक्षा, ना पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को शराब और जुआ आदि में उड़ा रहे हो तब पैसे को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हो तो वह पैसा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसे को बुरा बोलेंगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, तभी वह चीज आपकी तरफ आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाएं। आगे सातवें चैप्टर में लेखक एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के महत्व को बताते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज्यादा पैसे से अपनी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदनी चाहिए, साथ ही आपको उसका एक भाग चैरिटी में और टैक्सेस में भी देना चाहिए। इससे आप अपनी और समाज की सहायता कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प कर ही देते हैं, इसलिए हेल्पफुल बने। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की हिंदी में समरी। इन 7 स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप भी अपने लिए धन, खुशी और सफलता हासिल कर सकते हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।